नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसका तो मैं मंडे के लिए मतलब 11 नवंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक सुना है, तो उसका बाइसेल रिकमेंडेशन आप लोग नोट कर सकता है। मेरा ये जो फाइल है इसमें वेरियस सारा पैरामीटर्स है स्टॉक चुनने का, तो ये देख के मैंने स्क्रीनिंग करता हूँ। इसमें ये सब चीज़ है, वोलेटिलिटी रेवर परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कुछ इंडिकेटर मैंने इधर कैलकुलेट करके रखा है। तो इसको आप लोग देख के स्क्रीनिंग कर, आप लोग भी स्क्रीनिंग कर सकता है, मैं भी इसमें स्क्रीनिंग करता हूँ। तो ये आप लोग एंड ऑफ द डे आप लोग को ये फाइल मिल सकता है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा पेज सर्विस में आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो एंड ऑफ द डे एंड लाइव मार्केट भी टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा, ताकि आप लोग ये बाइसेल देख के ट्रेड कर सकता है। मैं इसमें मेरा भी रिकमेंडेशन आएगा और आप लोग भी स्क्रीनिंग कर सकता है। और व्हाट्सएप में मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो ये देखिए बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा और टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है कि सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ। तो ये लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है और इस लेवल पे कैसे काम करना है आप लोग रोज ही बोलता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि इसमें देखिए ये 419.80 में क्लोज हुआ है, तो इधर बाइक एंड 419.18 दिख रहा है, तो इसमें इसको छोड़ देना है। इसके अंदर 419 और 422 के बीच में ओपन, 422.45 मतलब 43 मतलब 45 के बीच में ओपन होगा, तो आप लोग को 422.4 ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही आप लोग को एंट्री लेना है ये टारगेट के लिए, और इधर स्टॉप लॉस रखना है। और इधर ओपन हुआ तो 422.43 में ओपन हुआ तो 422.4 और टारगेट 2 मतलब 424.51 और 422.43 के बीच में ओपन हुआ तो इस लेवल पे आएगा। इस लेवल क्रॉस करने के बाद आप लोग को एंट्री लेना है इस टारगेट के लिए, और इधर आप लोग को स्टॉप लॉस रखना है, ऐसे करके आप लोग को ट्रेड करना है। उसके बाद मैंने ये एक सेट गया, दूसरा सेट मैंने दिखाता हूँ। ये सेट भी आप लोग, ये भी एक बाइसेल लेवल है, इसको भी आप लोग नोट कर सकता है। और मैंने इसका फिबोनाची लेवल और पिवट पॉइंट भी दिखा देता हूँ, तो उसको भी आप लोग बाइसेल मान के एंट्री ले सकता है। इधर हुई गैप अप गैप डाउन आप लोग को कंसीडर कर लेना है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ। मेरा ये जो फाइल है इसमें पूरा FNO स्टॉक्स का बाइसेल लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है और फ्यूचर्स का लेवल रहता है, स्टॉक्स का फ्यूचर्स का लेवल रहता है। और इसको बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर्स का लेवल है, बैंक निफ्टी निफ्टी का इंडेक्स का लेवल है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकता है। सेम तरीके से आप लोग को देखना है बाई का एंट्री लेवल बीच में, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, और इसका भी अल्टरनेटिव बाई सेल लेवल देख सकता है और फिबोनाची पिवट पॉइंट का लेवल भी आप लोग देख सकता है। अब लोग थोड़ा सा मैंने जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मेरा टाइम लिमिट है। तो मेरा कमोडिटी का आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, कमोडिटी का लेवल देखता हूँ। सभी में वो एक ही रूल्स है ट्रेड करने का, आप लोग इसको पॉज करके करके देख सकता है। इसका फिबोनाची लेवल दिखाता हूँ और ये पिवट पॉइंट और कमोडिटी का और भी कुछ बाकी रह गया।